हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्दी फूड कुकिंग में। तो आज मैं बनाऊंगी झटपट से बनने वाले काजू कतली। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने काजू ले लिया है, आधा किलो होगा, 500 ग्राम, और ये दो टुकड़ों में होता है, वही काजू है। आप चाहें तो इसके जगह पे आप साबुत काजू भी ले सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे इसे काजू कतली। तो इसको हम चलिए पीस लेते हैं। इसको हम महीन पेस्ट करेंगे और मशीन को, मिक्सी को रोक रोक के हम पीसेंगे। यहाँ पे जार लेंगे इस तरह के और इसमें डाल के दरदरा महीन पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके के पाउडर मैंने बना लिया है। ये सारे पाउडर को इसमें निकाल लेंगे। काजू का पाउडर बन के रेडी है। तो चलिए आगे के हम चाशनी बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आधा कप चीनी डालेंगे। दो ढाई कप हमारा काजू था, तो हम यहाँ पे आधा कप चीनी डाले हैं। आप चाहें तो एक कप डाल सकते हैं, आप जितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से डालिए। आधा कप ही पानी डालेंगे। अब इसे मिलाते हुए एक तार की चाशनी बनाना है। यहाँ इलायची फ्लेवर के लिए दो इलायची मैंने डाल दिया है, इसमें चार डाल दिया है इसको, ताकि इसमें इलायची की फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। इसको दो मिनट तक इसे में रखना है। ये देखिए, एक तार का चाशनी बनना है, तो ये देखिए चिपचिपा हो गया है। एक चम्मच घी डालेंगे ताकि स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए, टेस्टी खाने में लगे हमारे काजू कतली। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। काजू का पाउडर जो मैंने बनाया है, ये काजू का पाउडर इतने सारे, ये सब हम इसमें डाल देंगे। अब इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। ये हो गया है, तो हम इसे अब गैस को बंद करेंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा मैंने पत्थर रख लिया है, ये पत्थर पे हल्का सा घी लगा देंगे। हल्का सा घी इस तरह से लगा दिए हैं ताकि चिपके ना। अब इस पे हम मिश्रण को निकालेंगे। अब यहाँ पे इसको हम स्पेचलर से मिला मिला के ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ठंडा हो गया है, तो अब हम स्पेचलर से ही इसको इसे इस तरीके से फैला लेंगे। ये देखिए, पूरा मैंने फैला लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इस पे लगाएंगे। आप चाहें तो इस तरह भी आप ट्रायंगल से में काट सकते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे चांदी का वर्क। ये देखिए, चांदी का वर्क है, तो हम मिठाई पे लगाएंगे। तो इसे हम अब काट लेंगे ट्रायंगल। यहाँ पे नाइफ ले लिया है मैंने। इसको 10 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम कटिंग करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो अब हम प्लेट में लगा दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे काजू कतली बन के रेडी है। आप भी अपने घरों में बनाइए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ एंजॉय करिए।